Hey everyone, welcome back channel Study with Tiwari. This is your friend Ashutosh Tiwari. तो गाइस आप लोगों से काफी सारे लोगों ने कमेंट्स आ रहे थे भैया क्लास 10th के लिए ओसवाल की तरफ से सैंपल पेपर रिलीज किया गया, इसका कंप्लीट रिव्यू कीजिए। इससे पहले ऑलरेडी मैं सारे सब्जेक्ट का रिव्यू कर चुका हूँ और जो सब्जेक्ट का बच चुका है मैं सारे सब्जेक्ट वाइज आपको आगे रिव्यू देने वाला हूँ। तो अभी तक आप स्टडी तरफ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर लेना। एंड आप लोग को बताते कि आप लोग के लिए ओसवाल सारे सब्जेक्ट में क्लास 10th के लिए बुक रिलीज कर चुका है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं जो क्लास 10th का साइंस का सैंपल पेपर आया है इसका कंप्लीट रिव्यू करूंगा एंड आगे आने वाले वीडियो में सारे सब्जेक्ट का वन बाय वन रिव्यू करने वाला हूं। तो जिस तरह के फीचर आपको एक बुक में देखने को मिलता है उसी तरह के फीचर आपको सारे सब्जेक्ट के सारे बुक में देखने को मिलता है। तो आज हम साइंस के साथ कंटिन्यू करेंगे एंड इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से परचेज करो तो आपको काफ़ी लोएस्ट प्राइस में भी ये बुक आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसका प्राइस तो धीरे धीरे काफ़ी हाई होने वाला है। तो डेफिनेटली आप लोग परचेज कर लेना, आपका एग्जामिनेशन भी आने वाला है। तो कोई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो तो इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ये बुक आपके 25 के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड यहाँ पे बात करें तो इसमें यहाँ पे देखो तो अभी लेटेस्ट बोर्ड सैंपल है पर जो कि 5 सितंबर को CBSE रिलीज किया था वो सैंपल अभी इसके अंदर डाला गया है। एंड यहाँ पे आपका सब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर का टाइप होता है कि कितने पैटर्न किया है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है एंड इसके अंदर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपका CBSE के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। तो कहीं चलिए इस बुक के अंदर लेके चलते हैं, बताते हैं सर कंप्लीट फीचर के बारे में। तो जैसे आप इस बुक को नेक्स्ट करो तो सबसे पहले तो ये बुक आपको फुल्ली कलरफुल में मिलता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये रहा आपका सबसे पहले यहाँ पे CBSE का लेटेस्ट सैंपल है पर प्री प्लस में 2024 में जो आपके टॉपर्स थे CBSE क्लास 10th का उसका आंसर कॉपी अटैच प्लस में माइंड मैप्स एंड उसके अलावा यहाँ पे देखे तो सॉल्व्ड सैंपल पेपर है 1 से लेकर 5 तक आपका सॉल्व्ड सैंपल पेपर है एंड फिर आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए 5 सैंपल पेपर दिया गया है एंड उनके आंसर्स भी यहाँ पे दिए गए जो कि 2, 3, 4, 5 जो कि फर्स्ट वाले सेक्शन के हैं एंड यहाँ पे हाईली स्कोरिंग चीट शीट भी इसके अंदर दिया गया है। तो चलिए आपको कंटिन्यू करते हैं आगे और भी कुछ बताते हैं। यहाँ पे आपका सिलेबस सब कुछ डाल दिया गया, रिलेटेड टॉपिक्स क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, हर चीज़ यहाँ पे दिया गया है एंड फिर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो CBSE के 2024 में आपका एग्जामिनेशन है उसके टॉपर्स के आंसर कॉपी के बारे में। तो ये आपका प्रीवियस का टॉपर जो थे उसके आंसर कॉपी के फुल्ली कलरफुल फॉर्मेट में डाल दिया गया है ताकि आप लोग को पता चल सके कि टॉपर्स अपने एग्जामिनेशन में कैसे लिखते हैं, क्योंकि टॉपर्स के अकॉर्डिंग आप लोग भी चलोगे तो डेफिनेटली आप लोग भी काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। फिर आपका ये रहा माइंड मैप्स, मतलब जितने सारे चैप्टर्स आपको साइंस में है वो सारे चैप्टर्स का 1 पेज माइंड मैप्स दिया गया है एंड प्लस में सारे सब्जेक्ट में ये फीचर दिया गया है। मतलब आप लोग एग्जाम से पहले 5 से 10 मिनट में फुल्ली चैप्टर्स को यहाँ से कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। फिर आता है 1 पेज नोट्स, मतलब NCERT के अकॉर्डिंग जो माइंड मैप्स में चीज़ें दिए गए हैं वो तो इसके अंदर दिया गया है प्लस यहाँ पे चैप्टर वाइज आप लोग को जो NCERT का इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, इंपॉर्टेंट लाइन्स जो कि आप एग्जामिनेशन में आ सकते हैं हर एक चैप्टर का वो भी डाल दिया गया। मतलब माइंड मैप्स के अलावा भी यहाँ पे NCERT के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सब कुछ यहाँ पे डाला गया है क्योंकि आपको एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है जो कि बस आपको ओसवाल प्रोवाइड करता है। फिर आपके यहाँ पे फर्स्ट सैंपल पेपर जो कि CBSE इस साल रिलीज किया था वो सैंपल पेपर है, इसमें हर कुछ CBSE वाला ही है जो कि CBSE रिलीज किया था एंड प्लस में उसके यहाँ पे आंसर्स भी यहाँ पे अटैच कर देगा जो कि आप लोग देखते हो एंड ये आंसर्स आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है, मतलब आपको पता है कि स्टेप्स का मार्किंग मिलता है तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग है। फिर ये रहा सैंपल पेपर 2, तो कुछ फर्स्ट सैंपल पेपर तो आपका CBSE का था प्लस में जो 8 सैंपल पेपर एक्स्ट्रा है वो आप लोग के यहाँ पे CBSE तो इस साल सैंपल पेपर निकाला है उसके अकॉर्डिंग ओसवाल के एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया ये सैंपल पेपर्स है एंड ऐसा नहीं कि बस सैंपल पेपर है, पहले 5 सैंपल पेपर उसके आपको आंसर्स भी दिए गए हैं जो कि आप लोग को आगे दिया गया है एंड उसके बाद 5 सैंपल पेपर आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए दिए गए हैं ताकि आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस कर सको। तो बस ये रहा आपका पूरा सैंपल पेपर जो कि CBSE के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है एंड डेफिनेटली आप लोग को काफ़ी हेल्प करने वाला। ये रहा आपका सेल्फ असेसमेंट पेपर जो कि आपका सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही इसको भी डिजाइन किया गया है लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब आप लोग एक बुक से न जाने कितने चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो जो कि फीचर्स आप लोग ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं एंड ये रहा आपका जो आगे का 5 सैंपल पेपर था उसका सॉल्यूशन जो कि आप लोग यहाँ पे देखे तो ऐसा नहीं कि सेल्फ असेसमेंट का सॉल्यूशन नहीं, उसका भी सॉल्यूशन इसके अंदर डाला गया है लेकिन ये आपका स्पेशल पेपर है जो कि आपका सेल्फ असेसमेंट के लिए तो पहले आपको खुद से करना है। तो ये सारा फीचर है जो कि आपको बस ओसवाल प्रोवाइड करता है अपने बुक्स में एंड जैसे कि आप लोग देखो तो ये सेल्फ असेसमेंट जो पीछे दिया गया था वो सेल्फ असेसमेंट के भी यहाँ पे आंसर्स दिए गए जो कि आपको हाईली स्कोरिंग चीट शीट के अंदर आपको देखने को मिलता है एंड ये मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग डाला गया था सब कुछ, आप लोग देखते हो कि कौन से क्वेश्चन में कितना लाइन्स लिखना है सब कुछ यहाँ पर बताया गया है।
तो गाइज ये था आपका उस वाल का कंप्लीट रिव्यू, जिसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से परचेज कर लेना। एंड जैसे कि बताया कि आपको ये बुक सारे सब्जेक्ट में देखने को मिलता है, एंड ऑलरेडी मैं सबका वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ। आज साइंस का हो गया, आने वाले वीडियोज में मैं सबका रिव्यू करने वाला हूँ। तो गाइज इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करना। तो गाइज चले मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बहुत